जाना है टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ जाना है टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस, वही इलेक्शन कवरेज में आया हूँ। हाँ तो आपका क्या नाम है? विशाल। निशांत, कब से चला रहे हैं टैक्सी? टैक्सी चला रहा हूँ 2 साल। और घर आपका? इधर ही है। मतलब अहमदाबाद या किसी और जिले में? अहमदाबाद। अच्छा अच्छा, तो ये 2 साल में ये कब चेंज हुआ है पार्किंग वाला? अच्छा, 190 रुपए ले रहा है। वोट यहीं गिराते हो अहमदाबाद में? इधर 5 साल में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं शहर में? बहुत चेंज हुआ। क्या क्या? बाहर दिखता ही है सर जी। हाँ बाहर ही दिखता ही है ना। अच्छा, और इस बार क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा, बताना चाहेंगे? वो तो है सर। दिल्ली से जो एक पार्टी आई है उसका क्या हाल लग रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है? वो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता सर जी। अच्छा, वो नहीं कुछ बोल सकते। तो दिन में कितने राइड मिल जाते होंगे आपको? 5-6 राइड मिलते हैं। 5-6। तो उसके बाद अपने हिसाब से चलाते हैं या ज्यादा भी चलाना पड़ता है? जो चलती है वो चलते हैं, बाकी बैठे रहते हैं। लेकिन ठीक ठाक कमाई हो जाती है? नहीं, थोड़ी मोटी होती है। खाने पीने का निकलता है? खाने पीने का नहीं हो पाता। खाने पीने का होता है। खाने पीने का होता है। तो घर में बच्चे भी हैं? स्कूल जाते हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो ना यार, ठीक रहेगा। स्कूल जाते हैं? तो मतलब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और जिससे आपकी कमाई जैसे बढ़े? आप टैक्सी चलाते हैं, कमाई बढ़नी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए इसमें। क्या बिजनेस? तो मतलब आपके हिसाब से क्या 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 हो सकता है जिससे आपकी आमदनी और बढ़े, तरक्की? और वो तो बिजनेस करेंगे तो बनेगा ही ना सर। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि गाड़ी चलाना छोड़ के बिजनेस करें? नहीं नहीं, गाड़ी तो अच्छा ही है ना, इसमें क्या ना है। अच्छा। और साइड में बिजनेस करो। साइड में बिजनेस होगा तो अच्छा चलेगा, गाड़ी भी अपनी लाइन पे रहेगा। अपने अकेले बंदे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना सर जी। तो बिजनेस के लिए कैसे, जैसे यहाँ पे क्या बैंक लोन दे देती है, सरकार पैसा देती है, क्या है कैसे? अगर पैसा वो बात अलग है। हाँ वो बात अलग है। अच्छा, बिजनेस तो करना है तो अपने पे डिपेंड है कि अच्छा। कौन सा बिजनेस करना है तो क्या बिजनेस कितना है। अच्छा, मैं तो नया हूँ दिल्ली में, तो खूब होता है क्राइम, छीन छपर रात को, यहाँ पे क्या सीन है? इधर तो कुछ नहीं, अहमदाबाद में बहुत बढ़िया है। अच्छा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं? इधर कुछ नहीं, कुछ तो इधर क्राइम है लेकिन बहुत कम है, दिल्ली के जैसा नहीं। अच्छा, तो नाइट लाइफ कैसा है रात को, मतलब दुकानें खुली रहती हैं या फिर? खुली रहती है, कहीं कहीं दुकान खुली रहती है, बाकी बंद रहती है। अच्छा, बाकी बंद रहती है। यहाँ कब है इलेक्शन, 1 को है या 5 को? मालूम नहीं सर। अरे तो मालूम नहीं आपको अभी तक? नहीं। अच्छा, पोस्टर वोस्टर तो अब लगता नहीं है यहाँ पे, तो कैसे नेता लोग कैसे मतलब वोट मांगते हैं यहाँ? वो तो पता नहीं सर जी। नहीं, जैसे वो घर घर आते हैं या फिर कैसे? वो नहीं, घर तो कहीं जगह भी घर घर आते हैं, बाकी तो सबको मालूम ही है कि क्या होना है। सबको मालूम ही है कि ये पहचान वाले है। हाँ। कि इनको ही वोट देना है। हाँ। अच्छा, मतलब लोग पब्लिक अपना मूड क्लियर करके बैठी है कि क्या कर रहे हैं, है ना? कोई ज्यादा उसे पूछने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक का क्या हाल रहता है दिन में? अभी तो सुबह का टाइम है, आपके सामने ही है। नहीं, दिन में जैसे अभी तो 8:30 बज रहा है। नहीं, आपके सामने ही है, देखो ना आपके सामने जो दिखता है वो सही है। तो और बढ़ेगा ये ट्रैफिक या अभी 12 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास या घटेगा? वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आपके स्टेट में जैसे 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था, इस बार इलेक्शन हो रहा है, तो इस बीच में डेवलपमेंट, विकास का काम हुआ है? हुआ है। इस अच्छा, 2 बार सीएम बदल गए, इस क्यों बदल गए? कुछ वो ठीक था या उसका असर पड़ा है क्या? नहीं। हाँ नहीं, कुछ असर नहीं है। कुछ असर नहीं है, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
यहाँ भी जैसे इलेक्शन जो स्टेट का होता है मतलब चीफ मिनिस्टर वाला, उसमें भी मोदी जी का असर होता होगा या नहीं? वो तो कहीं कहीं बदलते हैं तो वो तो ऊपर से रहता है। तो मोदी जी का असर है यहाँ पे नहीं लोगों में काफी? वो तो परसों आए थे वलसाड में, बोल के गए हैं कि नरेंद्र भाई के लिए भूपेंद्र भाई को वोट करो, तो क्या उनकी स्थिति कमजोर थी उनको इतना बोलना पड़ा या ऐसे ही मतलब भाईचारे में बोले? मैं नहीं बता सकता सर जी, जो है वो बता सामने सामने ही दिखता है। ठीक है, तो फिर तो दिल्ली जैसा यहाँ क्राइम नहीं है, तो फिर दिल्ली वाली जो पार्टी है उसका क्या आपको लग रहा है, कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? खुल के बताइए कोई असर। आप लोगों से मिला वो पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी के लोग आए थे मिलने वाले कि नहीं? मैं नहीं मिला कुछ। अच्छा, आप नहीं मिले, आप इन सबसे मतलब पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट तो रहता होगा फिर भी थोड़ा बहुत नहीं?